हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डियर एग्जाम स्टडी। मेरा नाम विनोद कुमार है और आज हम हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों को शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज जानते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों को शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हडिम्बा मंदिर और हडिम्बा देवी मंदिर। ये दोनों ही मंदिर जो हैं हिमाचल में स्थित हैं और हडिम्बा मंदिर जो है चंबा में है और हडिम्बा देवी मंदिर जो है मनाली कुल्लू में स्थित है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना दोस्तों, आपने एक हडिम्बा मंदिर है और दूसरा हडिम्बा देवी मंदिर है। अगर एग्ज़ाम में हडिम्बा मंदिर आता है तो आपने चंबा करना है, अगर हडिम्बा देवी मंदिर आता है तो मनाली कुल्लू में करना है। नेक्स्ट करते हैं सेम इसी तरह का, जैसे चामुंडा देवी मंदिर है और चामुंडा मंदिर है। चामुंडा देवी आएगा तब आपने कांगड़ा करना है और अगर सिंपल चामुंडा ही आएगा तो आपने क्या करना है, हमीरपुर करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के तीन शहरों में स्थित है, जैसे चंबा शहर में है, आलमपुर कांगड़ा में है और तीसरा जो है नाहन सिरमौर में है। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के तीन शहरों में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अष्टधातु मंदिर। अष्टधातु मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला में है और ये दो मंदिर हैं और दोनों के दोनों मंदिर कहाँ पे हैं दोस्तों, शिमला में, जैसे तारा देवी मंदिर और हाटकोटी मंदिर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लक्षणा देवी मंदिर जो है भरमौर में है और इसका जो निर्माण किया है वो किया हुआ है मेरू बर्मन ने और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं चौरासी मंदिर। चौरासी मंदिर जो है भरमौर में है और ये चौरासी मठों का समूह है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हरिराय मंदिर। हरिराय मंदिर जो है चंबा में है और इसका निर्माण जो है लक्ष्मण बर्मन ने करवाया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मशरूर रॉक कट टेम्पल। मशरूर रॉक कट टेम्पल जो है कांगड़ा में है और ये जो है नागर शैली का बना हुआ है और इसका निर्माण राजा ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया है और इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर जो है मंडी में है और इसका निर्माण जो है अजबर सेन ने जो 1526 में किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बटुक भैरव मंदिर। बटुक भैरव मंदिर जो है मंडी जिले में है और इसका निर्माण जो है राजा सिद्ध सेन ने करवाया है। नेक्स्ट है जामलू मंदिर। जामलू मंदिर जो है मलाणा कुल्लू में है और ये जो मंदिर है ऋषि जगदम्बनी से संबंधित है जिनको जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर जो है कुल्लू में है और इसे राजा जगत सिंह ने बनाया है और ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, राजा जगत सिंह ने। नेक्स्ट है कामना देवी मंदिर। कामना देवी मंदिर जो है प्रोस्पेक्टस हिल शिमला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर और त्रिलोकपुर मंदिर। देखिए दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, त्रिलोकीनाथ मंदिर है एक, त्रिलोकीनाथ आएगा तो आपने लाहौल स्पीति करना है और त्रिलोकपुर मंदिर आएगा तो आपने क्या करना है, त्रिलोकपुर सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तारा देवी मंदिर। तारा देवी मंदिर जो है अष्टधातु मंदिर है और इसमें जो है 18 भुजाओं वाली जो है माता तारा देवी जी की जो है प्रतिमा लगी हुई है जिसका निर्माण जो है राजा बलवीर सेन ने करवाया है। नेक्स्ट है भीमा काली मंदिर। अच्छा दोस्तों ये तारा देवी मंदिर जो है शिमला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है भीमा काली मंदिर। भीमा काली मंदिर जो है सराहन शिमला में स्थित है और सराहन का पुराना नाम क्या है, शोणितपुर। ये अभी रिसेंटली HP हाईकोर्ट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है हाटकोटी मंदिर। हाटकोटी मंदिर जो है रोहड़ू शिमला में स्थित है और ये मंदिर जो है महिषासुर मर्दिनी को जो है समर्पित है। नेक्स्ट है श्यामला देवी मंदिर। श्यामला देवी मंदिर जो है इसे कालीबाड़ी मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्रीगुल मंदिर जो है चूड़धार सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट मंदिर है हमारा कटासन मंदिर। कटासन मंदिर कोल्लर सिरमौर में स्थित है और इसका निर्माण जो है राजा जगत प्रकाश ने करवाया है। नेक्स्ट है गसोता मंदिर। गसोता मंदिर जो है हमीरपुर में है।
नेक्स्ट है नर्मदेश्वर मंदिर। नर्मदेश्वर मंदिर जो है सुजानपुर टिहरा में हमीरपुर में स्थित है और इसका निर्माण राजा संसार चंद ने कराया है। नेक्स्ट है मुरली मनोहर मंदिर। मुरली मनोहर मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में दो जिलों में है, एक है हमीरपुर में है और दूसरा बिलासपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर जो सुजानपुर हमीरपुर में है उसका निर्माण राजा संसार चंद ने कराया है और दूसरा मुरली मनोहर मंदिर बिलासपुर में जो है उसका निर्माण राजा अभ्यास चंद ने कराया है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षणा देवी मंदिर। लक्षणा देवी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है और जटोली मंदिर जो सोलन में है, ठीक है, लक्षणा देवी मंदिर जो है चंबा में है और जटोली मंदिर जो है सोलन में है। तो लक्षणा देवी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर और जटोली मंदिर हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देवभाटी मंदिर। देवभाटी मंदिर जो है बिलासपुर में है और इसका निर्माण राजा दीपचंद ने कराया है। नेक्स्ट मंदिर है मृकुला देवी मंदिर। मृकुला देवी जो है उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है और इसका निर्माण जो है अजय बर्मन ने करवाया है। नेक्स्ट है गुरु घंटाल गोम्पा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरु घंटाल गोम्पा जो है लाहौल स्पीति में है और इसका निर्माण जो है पद्म संभव ने करवाया है। ताबो गोम्पा। ताबो गोम्पा का निर्माण जो है 996 ईस्वी में किया गया है और ये गोम्पा जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है की गोम्पा। की गोम्पा जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट बचता है आपका नाको गोम्पा। नाको गोम्पा जो है किन्नौर में स्थित है। नाको को आप याद रख सकते हैं नाको झील के नाम से भी। नाको झील जो है किन्नौर में है और नाको गोम्पा का है किन्नौर में है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।